आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई चैनल, नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। मौसम ठंडा हो चुका है, हर तरफ सर्दी पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है, तो सर्दी की नज़ाकत को जानते हुए मौसम की नज़ाकत के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चिकन कान सूप। हर जगह बनता है, हर गली, हर मोहल्ले, हर रेस्टोरेंट में बनता है, तो जो प्योर सिग्नेचर रेसिपी है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। बड़े ही आसान है, जो घर में इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ आप बना सकते हैं। आइए मैं आपको मुतारफ करा देता हूँ इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा कीमा, चिकन कीमा है जी। मैंने क्योंकि इसको चिकन को कीमा बनाया है, चिकन फ्राई का आपकी मर्जी है, आप फ्राई का बेस्ट का यूज कर सकते हैं। फ्राई का करेंगे तो ज़्यादा टेस्टी होता है, ज़्यादा इसमें फैट्स होते हैं, तो हड्डी के साथ होता है तो इसका टेस्ट ज़्यादा है। इसके साथ हमें चाहिए कॉर्न, जो मैंने कॉर्न को ग्राइंड किया हुआ है, ग्राइंड बहुत ज़्यादा नहीं किया, आपकी मर्जी है ग्राइंड करें या इसको होल्ड डाल दें। ग्राइंड करें तो ज़्यादा टेस्ट बनेगा, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, पेस्ट नहीं बनाना। इसके साथ हमें जो सीजनिंग चाहिए, चिकन चिकन पाउडर है, सॉल्ट है, एग वाइट है, एग वाइट हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ हमें गार्निश के लिए चाहिए होगा स्प्रिंग ऑनियन ग्रीन और रूट्स। ये रूट्स कैसे इस्तेमाल करना है रेसिपी में आगे मैं चल के आपको बताऊँगा। सूप को गाढ़ा करने के लिए हमें कौन सा भी चाहिए होगा। सूप का रियल टेस्ट हासिल करने के लिए आपको इसमें डालनी है चिकन का स्टॉक, यखनी। तो यखनी मैंने यहाँ पर पहले से बना के रखी हुई है, बड़ा ही आसान है, बड़ी सिंपल तरीके से बनेगी। आपने करना क्या है, आइए मैं आपको दिखाई देता हूँ इस तरह बनेगी। ये है, इसमें मैंने चिकन बोनस डाली है और इसके अंदर गार्लिक है, जिंजर है, स्प्रिंग ऑनियन इसके रूट्स हैं, और इसकी जो इस वक्त खुशबू आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो सबसे जो बेसिक है सूप बनाने में वो आपका स्टॉक है, वो स्टॉक आपने अच्छी तरह बना लेना है ताकि सूप का टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त बने। सूप की क्वांटिटी आज हमारी ज़्यादा है इसलिए हमने इसको कढ़ाई में बना रहे हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपने कढ़ाई में डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इसके साथ हमें डालना है इसमें चिकन का कीमा, इसको सोते करना है। इसके साथ हम डालेंगे फ्लेवर लेना है। तो देख सकते हैं कि चिकन हमारा अच्छी तरह स्टेयर हो चुका है, अब हम इसमें स्टॉक डालेंगे। स्टॉक को स्टेन करके डालेंगे, इस तरह से कप्स के हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। यखनी मैंने स्टेन करके इसके अंदर डाल दी है, तो ये यखनी तकरीबन हमारी 2 लीटर के बराबर है। तो अब ये जब बॉयल होती है तो इसका अगला स्टेप हम शुरू करेंगे। तो अभी हमें इसको बॉयल करना है, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या शामिल है। यखनी हमारी बॉयल हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे हमारा बॉइल हो रहा है।
आप इसमें डाइस का भी डाल सकते हैं और जूस का भी डाल सकते हैं। मेरा कीमा डालने का मकसद ये है कि कीमा डालने से आपको जब आप फूड सर्व करेंगे स्पून के साथ इजीली आप इसको ले सकते हैं। कीमा डालें तो फ़ायदा ये है, अगर आप जूलियन डालते हैं तो आपको सूप के साथ स्पून के साथ थोड़ा पीने का इशू हो सकता है। तो हम इसमें थोड़ा सा आंकड़ो डालेंगे, थोड़ा करेंगे आंकड़ो इस सिक्वेंस से डालना है, एक जगह पे डालना फेंकना नहीं है, एक जगह पे फूल आपने प्रेजर करना है तो साथ ही इसको आपने मिक्स कर लेना है वरना कौन और जो है वो रुपया बन सकता है। डालेंगे फूड हमारा बॉयल हो रहा है तो ये अभी देखिए बहुत गाढ़ा नहीं हुआ, इस इतनी स्टेज पे आपने जब ये बॉयल हो जाए तो आपने इसके अंदर क्या करना है अंडा शामिल करना है। बहुत गाढ़ा नहीं हुआ इसको गाढ़ा अभी हमें करना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये पतला है इसमें जब अंडा डालेंगे तो अंडा बहुत अच्छी तरह से निकल आएगा। अंडा आपने यूँ डालना है बाहर बना के ग्रेजर करना है जैसे थोड़ी सी देर इसको वेट करें, वेट करने के बाद एक सीक्वेंस के साथ आपने नीडल्स को फूड नीडल जो है वो यूज़ करना है इस तरह से, अपने फूड में बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से नहीं मिक्स करना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से ताकि अंडा जो है देखिए अंडा अब अपनी पूरी शक्ल में सामने आ चुका है, थोड़ा सा बॉयल होता है तो हम इसको मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे फिर इसकी हम सर्विंग करेंगे। हम इसको मिक्स करेंगे, कॉर्नफ्लोर मैंने दोबारा डाला है करेंगे इसकी सर्व। अब हम आखिर में इसके साथ डालेंगे इस रेसिपी का सीक्रेट, वो है सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल हम इसमें ऊपर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे एक अच्छे फ्लेवर के लिए। तो चाइनीज फूड में सेसमी ऑयल इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग ऑनियन, इसी तरह सेसमी ऑयल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सूप हमारा तैयार है, आइए हम इसको सर्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी हमारी ज़रूर पसंद आएगी, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास पहुंच सके। नई वीडियो के साथ नई रेसिपी के साथ आपके फिर से हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।